नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेडियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया जाएगा हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी आज का सवाल है वाई अल्ट्रासाउंड जेल इज़ अप्लाइड बिफोर अल्ट्रासाउंड स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड जेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल होता है जिसकी फ्रिक्वेंसीज ह्यूमन के ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होती है मतलब ह्यूमन 20 हर्ट से 20,000 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं 20 हर्ट से कम फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को इंफ्रासाउंड कहते हैं और 20,000 थाउजेंड से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में 2 मेगा हर्ट से 15 मेगा हर्ट फ्रिक्वेंसी वाले अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड लॉन्गिटूडल वेव होती हैं जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है इट कुड बी लिक्विड गैस और सॉलिड प्लीज नोट दैट अल्ट्रासाउंड वेव डू नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम अल्ट्रासोनोग्राफी में जिस डिवाइस से अल्ट्रासाउंड वेव को जनरेट किया जाता है उसे प्रॉब या ट्रांसड्यूसर कहते हैं इसे बनाने में पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से ये क्रिस्टल वाइब्रेट करते हैं जिससे अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट होती है अल्ट्रासाउंड वेव विच जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉब आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द टिश्यू एंड प्रॉब रिसीव दिज रिफ्लेक्टिव वेव टू मेक अल्ट्रासाउंड इमेज यहाँ प्रॉब अल्ट्रासाउंड वेव को ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया है तो आपने देखा होगा कि रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करते समय स्किन पर अल्ट्रासाउंड जेल लगाते हैं अल्ट्रासाउंड जेल बेसिकली एक कंडक्टिव मीडियम की तरह एक्ट करता है बिटवीन प्रॉप एंड द स्किन सरफेस एंड अलाउ इजी पासेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन टू टिश्यू अगर प्रॉप का इस्तेमाल बिना अल्ट्रासाउंड जेल के किया जाए तो 99.9% अल्ट्रासाउंड वेव एयर और सॉफ्ट टिश्यू बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रॉब और स्किन के बीच में एयर पॉकेट बन जाते हैं जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड वेव रिफ़्लेक्ट हो जाती है और बॉडी टिश्यू में इंटर नहीं कर पाती अगर अल्ट्रासाउंड वेव बॉडी टिश्यू तक ही नहीं पहुंचेगी, तो अल्ट्रासाउंड इमेज कैसे बनेगी बिकॉज अल्ट्रासाउंड इमेज शुड शो द डिफरेंस बिटवीन द टिश्यूज़ इन द बॉडी नॉट द डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड द बॉडी चलिए इस बात को समझने के लिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि एकॉस्टिक एम्पिडेंस क्या होता है एकॉस्टिक इम्पिडेंस विच इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए टिश्यू और ए मीडियम इट डिस्क्राइब हाउ मच रेजिस्टेंस एंड अल्ट्रासाउंड बीम एनकाउंटर्स एज इट पास थ्रू अ टिश्यू इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ टिश्यू एंड वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड थ्रू द टिश्यू अल्ट्रासाउंड जेल इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पॉलीमर लाइक ग्लाइसरिन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और इसका एकॉस्टिक इम्पिडेंस ह्यूमन स्किन के एकॉस्टिक इम्पिडेंस के लगभग बराबर होता है इसीलिए अल्ट्रासाउंड जेल यहाँ दो कार्य करता है पहला ये स्किन और प्रॉप के बीच में एयर पॉकेट्स को बनने से रोकता है और दूसरा जेल और स्किन के एकॉस्टिक इम्पिडेंस मैच करने की वजह से अल्ट्रासाउंड वेव बिना किसी रुकावट और रिफ्लेक्शन के बॉडी टिश्यू में ट्रांसमिट हो जाती हैं और फिर बॉडी टिश्यू की बाउंड्री से रिफ़्लेक्ट होती है जिसे प्रॉब रिसीव करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है फिर सीपीयू इन सिग्नल को प्रोसेस करके अल्ट्रासाउंड इमेज बनाते हैं जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जेल लुब्रिकेंट का भी काम करता है जिसकी वजह से प्रॉब आसानी से स्किन सरफेस पर मूव करता है और स्टैटिक चार्ज नहीं बनाता इसके विपरीत अगर अल्ट्रासाउंड जेल का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो प्रॉब और स्किन के बीच में स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगा जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है सो वी कैन से अल्ट्रासाउंड जेल एक्ट एज ए कंडक्टिव मीडियम एकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड जेल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्किन विच अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इन टू द बॉडी टिश्यू विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन अल्ट्रासाउंड जेल ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट एज इट अलाउ ईजी मूवमेंट ऑफ प्रॉब ओवर स्किन एंड प्रवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद